गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था और एक्सरसाइज दी थी, तो आज आप अपने आंसर्स मेरे आंसर से तैयारी कीजिए। राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री, तो यहाँ पर प्रोनाउन आएगा ही, क्योंकि ही यहाँ पर नाउन की जगह यूज हो रहा है। नीना सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो शी आएगा। Mary got many chocolates. She asked for more. She. Raju has a big bat. He plays cricket with it. तो यहाँ पर आएगा he. Bobby sings. He also paints. He. Ali and Wali went on a picnic. Ali and Wali bought many toffees. Use pronoun in the correct place. तो अली एंड वली जो यहाँ पर सेकेंड लाइन में है, अली एंड वली बॉट, तो अली एंड वली की जगह यहाँ पर आएगा दे। दे, ठीक है। माई नेम इज अदा, अदा स्टडीज इन क्लास थ्री। तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये वाला जो है ये चेंज होगा, ये आएगा I study in class 3. तो यहाँ पर pronoun आएगा I. Mahi went to market. Mahi saw many little girls. तो Mahi के बदले आएगा, Mahi के बदले she आएगा, तो हम लिखेंगे she saw many little girls. तो माही के बदले she आएगा, यहाँ पर change हो जाएगा, यहाँ पर she आएगा। सना एंड सबा went to the bookshop. सना एंड सबा bought story book. तो यहाँ पर सना एंड सबा they में change होएगा और वो आएगा they bought स्टोरी बुक। अमन बेक द बर्थडे केक, अमन रोट माई नेम ऑन इट। तो यहाँ पर अमन चेंज होएगा ही में, तो ही रोट माई नेम ऑन इट, ठीक है। तो बच्चों ये थे प्रोनाउंस। हाँ, यहाँ पर ये लिखेंगे दे चेंज होएगा, दे बॉट मनी टॉफीज, दे बॉट मैनी टॉफीज। तो यहाँ पर अली और वली दे में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो दे बॉट मनी टॉफीज। तो अब हम आज करेंगे हम एडजेक्टिव्स, क्या करेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की उसके मीनिंग को बढ़ाए, जो नाउन और प्रोनाउन है उसके उसमें कुछ और ऐसा ऐड करे कि उसका मीनिंग बढ़ जाएगा, उसका मतलब बढ़ जाएगा, कुछ और बेहतर मतलब आ जाएगा, और साथ में वो उसको क्वालिफाई करता है, जो उसकी खासियत बताएगा। एक ऐसा वर्ड ऐड हो जाएगा जो मतलब भी चेंज करेगा, नाउन और प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का मतलब भी चेंज हो जाएगा। चेंज इन द सेंस कि बढ़ जाएगा, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगा उसका मतलब, वो लाइन उसमें कुछ और बढ़ जाएगा, उसमें कुछ और वजन आ जाएगा, और वो उसकी खासियत भी बताएगा। नाउन और प्रोनाउन की खासियत भी एडजेक्टिव ही बताता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, द ओल्ड लेडी इज स्टिंग इन द पार्क। हम यहाँ पर लिख सकते थे द लेडी इज स्टिंग इन द पार्क, तो नाउन आ गया लेडी, ठीक है। तो लेडी पार्क में बैठी हुई है। अब जब हमने ओल्ड इसके साथ लगाया, तो एक तो इसने इसके मतलब को बढ़ा दिया, बढ़ाया ना। लेडी तो कोई भी हो सकती है, वो यंग लेडी भी हो सकती है, ओल्ड लेडी भी हो सकती है, स्वीट लेडी भी हो सकती है, कनिंग लेडी भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसके मतलब को और स्पष्ट कर दिया, और
अच्छे तरीके से समझा दिया कि ओल्ड लेडी एक पर्टिकुलर लेडी बन गई, एक पता चल गया हमें कि भाई बूढ़ी औरत है, तो खासियत भी आ गई उस लेडी की कि वो उसकी खासियत क्या आ गई, नाउन की खासियत क्या आ गई, यहाँ पर बूढ़ी है, मीनिंग क्या बदला कि वो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है, तो ये दो चीज़ें एडजेक्टिव से हो जाती हैं। अब यहाँ पर ओल्ड एडजेक्टिव आ गया, जैसे द गर्ल इज़ वियरिंग ए प्रिटी ड्रेस, द गर्ल इज़ वियरिंग ए ड्रेस, लड़की ने कपड़े पहने, ठीक है कोई भी कपड़े हो सकते हैं, लेकिन द गर्ल इज़ वियरिंग ए प्रिटी ड्रेस, भाई लड़की जो है वो बहुत सुंदर ड्रेस पहन रही है, प्रिटी ड्रेस पहन रही है, तो इसकी खासियत और बढ़ गई, ड्रेस की खासियत भी बढ़ गई और नाउन का मतलब भी चेंज हो गया, चेंज मतलब बढ़ गया उसका मतलब कि एक खास किस्म की पहन रही है ड्रेस, तो प्रिटी ड्रेस। द बॉय इज फ्लाइंग ए वाइट काइट, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा सफ़ेद रंग की पतंग उड़ा रहा है, आ गया ना मतलब समझ, पतंग उड़ा रहा है तो कोई भी पतंग हो सकती है, सफ़ेद रंग की मतलब एक खास रंग की, एक खास पतंग उड़ा रहा है सफ़ेद रंग की, तो ये वाइट आ गया यहाँ पर एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर मैंने ये एक्सरसाइज दी है, इसमें जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग ए कार्टून फिल्म, द नॉइजी चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द स्कूल, द बिग डॉग ग्राउल्ड एट द स्मॉल डॉग, द हंग्री कैट चेज द माउस, रीमा मेड ए कलरफुल पेंटिंग, वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स ऑन ए हॉट डे, द टॉल मैन वॉज वॉकिंग विद ए वाइट डॉग, शामा लव्स जूसी फ्रूट्स, शामा को जूसी फ्रूट्स पसंद है, रसीले फल पसंद है, आशिक बॉट सम राइप मैंगोज, सलमा एंड जेबा आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसमें आपको जो एडजेक्टिव्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो आप ये करिएगा और नेक्स्ट संडे को फिर मैं ये एक्टिविटी लेकर आ जाऊँगी, ग्रामर की एक्टिविटी लेकर, तो उस दिन आप मेरे आंसर्स के साथ आंसर मैच करिएगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।